तो जो आपका डबल ई क्लास 12th का पेपर हुआ है 2022 में, उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत डी क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, यानी कि हर किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। इसे आपको विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस वाक्य में क्या गलती है, क्या शुड में गलती है, हिज में गलती है, नॉट में गलती है या वन में गलती है, यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वन जब एज अ जर्नल सेंस में आए, जर्नल सेंस में आए, यथार्थ, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल्स हो, मैन वर्ब हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट होगा तो यह इंडेफिनेट होता है। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह हिज नहीं बल्कि वंस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। तो यहाँ आपको गलती देखने को मिली, तो किस में गलती थी, हिज में। लेकिन इसे एडवांस अगर हम खींचने का प्रयास करें, आपको वहाँ सही करके नहीं लेकर आना है, यह ऑप्शन लिखना है कि इस पार्ट में गलती है, हिज में गलती है। अगर दोस्तों इसे जर्नल से थोड़ा सा स्पेसिफिक लेके चलें, तो वन के बाद ऑफ आए और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले, तो वन इन प्लूरल काउंटेबल में से किसी स्पेसिफिक की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर मान के चलिए यहाँ वॉइस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ हिज लिखना होगा, वंस नहीं लिखेंगे, हिज लिखना होगा। अगर यहाँ गर्ल्स है तो आपको लिखना होगा गर्ल्स के अकॉर्डिंग, गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, एक मिनट मीनिंग में, गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा हर, क्या लिखना होगा, हर। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप हिज को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इसके साथ ध्यान रखना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आपको कमेंट में भेजना है कहाँ गलती है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, आपको इसमें बताना है क्या गलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।